माय गॉड गाइस, ये तो भयंकर सा सीन हो गया गाइस। पैसा नहीं, अरे ना ना ना, गाइस इतनी हल्की चप्पल है। हाँ भाई, मैं साइड बिजनेस में वो टिक्की पकौड़ी का जो है होलसेल रिटेल करता हूँ। मेरे अंडर में 4-5 ऑफिस आ जाते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय नेदर व्लॉग। गाइस कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए चाय आइए, कभी घर पे पिलाते हैं आपको अच्छी सी चाय। फिलहाल अभी हम शो के उठे हैं, बस चाय पी रहे हैं, ब्रश वगैरह कर लिया, उसके बाद में भी चाय पी रहे हैं। तो गाइस मेरे पास एक डेली रूटीन का एक काम हो चुका है कि मुझे बैंक जरूर जाना पड़ेगा। तो हमें डेली रूटीन में बैंक जरूर जाना पड़ता है सुबह सुबह, मतलब अगर छुट्टी नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं पड़ रहा है। गाइस कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी पड़ रही है तो शायद ना जाना चाहिए, अगर कोई छुट्टी नहीं है तो डेली जाना है बैंक। तो फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं बैंक, रेडी हो चुके हैं घर पे, उसके बाद बैंक जाते हैं, बैंक से वापस घर जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। फिलहाल तो हम बैंक के पास में पहुँचने वाले हैं, अंदर एक गाँव पड़ता है सकीला, वहाँ पर है बैंक। A few moments later. Hey guys, check this out. तो हमारा बैंक वाला सारा काम हमने कर लिया है। फिलहाल अब बैंक से हम जाएंगे घर, घर से थोड़ा बहुत खाना पीना कुछ खाना होगा तो खा लेंगे, उसके बाद में फिर निकलेंगे। तो गाइस कभी कभी हम नेचुरल वॉइसेस, जैसे ये हवाएं हैं और ये मौसम है, बादल हैं, ये सब दिखाने के लिए मैं वॉइसेस यहाँ की, मतलब कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाता हूँ। बैंक के सारे काम करने के बाद फिलहाल तो हम घर से निकल चुके हैं अभी। तो गाइज आप लोग मेरे सारे ब्लॉग्स में लगभग लगभग ये वाला पुल जरूर देखते होंगे, इसका नाम है रहीमाबाद का पुल। यहाँ पे हम लोग कभी कभी आते हैं वीडियोस वगैरह शूट करने, बाकी बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन हाँ ये है कि ठीक ठाक लोकेशन है, पीछे पेड़ वगैरह अच्छे हैं और इधर पानी भी अच्छा। कभी कभी तो हम लोग नीचे भी जाके, मतलब स्टार्टिंग में एक दो ब्लॉग देखा होगा तो हम लोग नीचे भी गए, नीचे भी वीडियोज वगैरह बनाई है। उस साइड से एक रास्ता है, सामने से रास्ता आया है जो जाता है नीचे की साइड। स्मार्ट लग रहा भाई, स्मार्ट लग रहा है, लगता हूँ स्मार्ट। बीसीएम में पैदा हुआ था तब से लगता। अरे बस बाल नहीं है समय थोड़े, तो नहीं लेकिन तब भी स्मार्ट लग रहा है भाई। चश्मा वश्मा लगाओ, एक बार इधर फोटो खींच ले। ये लोग जब गलत काम करते हैं, देखो नजरों में नजरें नहीं मिल पा रही हैं, देख सकते हो मेरे तक। हाँ भाई, बोल भी नहीं पा रहा, क्या कह रहे हैं। गाइस सीतापुर आए और प्रियांशु भाई अपना चाय ना पिलाया, ऐसा हो सकता है भाई। मैं आज आपको एक सच बता देता हूँ कि पता नहीं भगवान का फर्शुद को बड़ा आदमी बना दे तो ब्लॉग व्लॉग में जैसे आने के लिए, ताकि मेरा फेस पॉपुलर हो जाए, इसलिए मैं कोई चाय समोसा या टिक्की ब्रेड पकौड़ा हमेशा खिला देता हूँ। बाकी और इससे कोई मेरा मतलब ऐसा खास संबंध है नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चप्पल खाला पता नहीं, क्योंकि मान के पहने से 2 दिन से एक चप्पल पहन आ रहा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। गर्मी भर के तो यही दिखेंगे, गर्मी भर यही दिखेंगी मेरे पास। और रुपये केवल इसके 100 नाइकी की है, 100 रुपए की। और एक नाइकी छूटने वाला है, एक दूसरा नाइकी हल्की चप्पल है। गाइस ये सोखता वाली है। तो गाइस ये मेरा हर्षित भाई का, आई हर्षित पंडित कुछ है इसका, वॉच फुल व्लॉग ऑन यूट्यूब, सर्च ऑन पे कुछ क्या स्टोरी है, वे स्टोरी है, इसको सभी लोग फॉलो करें। हमको यार प्रमोशन ऐसे कर देता हूँ, मुझको सोच सोच के बोलना पड़ता है हर्षित भाई के बारे में, बल्कि मैं हर्षित भाई के मतलब साथ हमेशा रहता हूँ भाई। परमानेंट देखोगे, एक भाई, दो भाई, तीसरा भाई और चौथा आकाश भाई और अभिषेक भाई, परमानेंट साथ में। शोभित भाई भी, हाँ परमानेंट रहते सर साथ में, बता तो दिया। 1, 2, 3 शोभित, लगभग लगभग जितने लोग साथ में होंगे वो लगभग एक अपना भाई। साइड बिजनेस है। हाँ भाई मैं साइड बिजनेस में वो टिक्की पकौड़ी का जो है होलसेल रिटेल करता हूँ।
मेरे अंडर में 4-5 ऑफिस आ जाते हैं। और भाई मैं अपने दोस्ती के नाते पकौड़े के लिए बस अपना कैश देने जा रहा हूँ। पैसा कर दो और इतना पैसा बस मेरी एक जेब में रहता है। 300 गाइस, 400 गाइस, 400 और बाकी 200 रुपए मेरे पापा ने दिए थे, बोला था 50 रुपए ये तुम्हारे किराए के और 150 रुपए 15 दिन की दिहाड़ी, 650 और 100 की नोट मम्मी ने दी थी, 50 रुपए का मैंने पेट्रोल डलवा दिया बाइक गाड़ी में। दे बहुत बुरा लगेगा यार, मेरे 350 की टी शर्ट 40 का मार्जिन गाइज के लिए तो आप मैं दे दूं। नहीं गाइज नहीं कहेंगे गाइज नहीं कहेंगे, अभी ये रुपया बचा है तो गाइज ये वाला पैसा मैं नहीं देता हूं। कितने रुपए डाले पेटीएम पर? 40 पेटीएम पर 40 रुपए। सीतापुर आते बहुत ज्यादा 40-50-60 रुपए खर्च कर देते, बहुत एहसान नहीं कर दिया भाई। 150 का पेट्रोल लगवा के तब आते हैं यहाँ तक की। ठीक, चल तुमसे मिलने के लिए। तो भाई दिल पे ले रहा है बात? भाई दिल पे नहीं ले रहा भाई। तो मैं भाई 800 का काम छोड़ के प्रियांशु भाई से मिलने आता हूँ रोज। काम कौन सा डरा 800 का? तो गाइस बाहर से चाय नाश्ता वगैरह कर लिया, फिलहाल तो आ चुके प्रियांशु के घर पे, साथ में विष्णु भाई, सुमित भाई और प्रियांशु। प्रियांशु भाई कैसे लेटे हो यार ऐसे? ऐसा हम लोग आए हैं तुम लेटे हो यार? भाई भाई हो ना इसलिए लेटे तुम्हारे सामने। अच्छा क्या? तुम हो क्या अभी विधायक हो? क्या हो? मैं युवा सम्राट। यहाँ पर कौन सा बॉम्ब लगाएंगे? युवा सम्राट है। तो गाइस अभी फिलहाल ये लोग मेरे को मतलब चिढ़ा रहे हैं कि हम खर्चा नहीं कर सकते। देखो अभी मैं खर्चा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने इन लोगों का मतलब ये व्लॉग में वो करने की है, वो सिंपैथी पाने का गाइस, ये व्लॉग में रिवेंज ले रहा है। हाँ, सिंपैथी पाने का तरीका था कि लोग कहें हर्षित भाई बहुत दयालु है, ये हमका था अनपढ़ समझा था हमका। तो भाई उसमें समझने वाली कौन सी बात है? आप तो व्लॉग देख रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो? आई एम 12th बाद विद सेकंड डिवीजन भाई, पार्टी कांग्रेचुलेशन भाई, उसी की पार्टी आज हो जाएगी, आज उसी की पार्टी। चाय पिला दी? चाय अभी, चाय से कुछ नहीं होगा भाई। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग देखो खर्चा करेंगे आज। आप खर्चा 71% यहां फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन का कोई मायने रखता, क्योंकि यहां टॉपर भी बैठे हैं और चापर भी बैठे हैं। मैं जैसे मैं टॉपर हूं, ये तो देख रहे हो, ये तो पास नहीं की थी। अब गाइस आज ये मूसी का बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है। चलो ठीक गाइस, मिलते हैं खर्चा करने के टाइम। तो गाइस भाई अपना बोल रहा था कि हम खर्चा नहीं कर सकते कुछ भी, तो मैंने दिल से खर्चा किया, आंटी से बोल के मैंने अभी चाय बनवा दी है ये वाली, देखिए। क्यों भाई देखो इधर चाय आ गई मेरे कहने पे इधर। हेलो, ये देखो चाय आ गई गाइस, अभी इनको मैंने होटल चाय पिलाई थी, अब चाय पिला रहा हूँ, चाय बहुत पीते हैं गाइस। तुमने पिलाया? नहीं घर मम्मी ने पिलाई। हाँ तो फिर थैंक यू सो मच आंटी जी, अभी चाय वाय पी लेते हैं उसके बाद निकलते हैं। गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, प्रियांशु के घर के बाहर आ चुके हैं, अब उठाते हैं अपनी गाड़ी और उसके बाद में एक और दोस्त है उनसे मिलते हैं। गाइस फिलहाल एक ब्रेक किया रास्ते में हम लोगों ने, सोचा यहाँ पे मेडिकल स्टोर से हम लोग ले लेते हैं मास्क है नहीं तो अभी मास्क यहाँ मिला नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पे मेडिकल स्टोर तक ही बताओ मास्क नहीं रखा है हम लोगों ने, अभी भी मतलब मास्क वगैरह तो जरूरी हो गया। अपनी स्कूटी है, मैं ड्राइव। आप ड्राइव करो, चलो विष्णु भाई करता ड्राइव। तो गाइस जिन भाई से मिलना था वो सामने है इधर, और सुमित भाई को मिलना था। फिलहाल तो हम लोग आ चुके हैं कचनार के आगे है हिमलिया है, तो अभी आ चुके हैं हिमलिया और फिर मिलते हैं भाई है अपना, इनसे मिलने हैं। हेलो भाई, सुमित भाई के जानने वाले हैं। और जो भी लोग गाइस कचनार की साइड से हैं तो वो लोग भाई अपनी अपनी दुकान की अपनी दुकान का नाम बता दो।
गौरव ऑटोमोबाइल्स, आप लोग यहाँ से आके पार्ट लीजिए। सभी दोस्तों के पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है, सब कुछ है, और मेरे पास ये सरकारी फोन है जो कि मेरे भाई के द्वारा मिला है। बहुत बदनामी होती है मेरी, बदनामी का है कि भाई यार ये तो सब किस्मत की बात है, ये सब तो भगवान की देन है, जो भगवान ने दे दिया वो हम लोगों ने ले लिया। हाँ बस, तो गाइज यहाँ पे आइए, अच्छे अच्छे देखो स्पेयर्स हैं, सब कुछ है, आप लोग आके विजिट करिए। गाइस अभी कचनार की फेमस लस्सी, कचनार के आगे क्या है, इमलिया, इमलिया, अबे फेमस, इमलिया की फेमस लस्सी है भाई ये। हाँ कौन से निकल रहा है भैया, हेलो सब सब कोई नहीं है, मोटेंट ड्यू छोड़ के। तो गाइस हम और सुमित भाई और भाई, भाई ये व्लॉगर्स देखो यहाँ कितने बैठे हैं, सारे व्लॉगर्स ही हम सब लोग लस्सी पी रहे हैं, अपना भाई कोल्ड ड्रिंक पिएगा यार भाई। हेलो गाइस मैं जा रहा हूँ अपना, मैं भी लस्सी पी सकता हूँ अपना महंगा वाला फोन निकालने, भले ये आदरणीय हमारे मोदी जी ने दिया है लेकिन इसकी वैल्यू जो है 15 करोड़ से कम नहीं है। गाइस हो गया गाइस, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, इसको ज्यादा नहीं बोलते, बहुत ज्यादा। वही बात की ब्लॉगिंग देखो, हर्षित भाई मिलते मिलते करो। हाँ भाई ये देखो भाई फ्रिज लेके आया यार, अपनी फेवरेट, मुझे ऐसा ही सुबह उठ के डेली नहाया करो, बस सीधी बात। गाइस देखो क्या देखा जा रहा है भाई, ये लोग भाई मेरा पुराना ब्लॉग देख रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच भाई, आपने भाई के फोन में अभी तक की देखा नहीं गया था तो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं भाई, थैंक यू भाई। तो गाइस अभी चाय और समोसा आप ही लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर। अभी करवा लिया फिल अप, अब यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं सीतापुर, सीतापुर के थोड़े 2-3 काम है उसको करवा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। गाइस फिलहाल तो आ चुका था सीतापुर, ये एसेसरीज गैलरी है सामने, तो यहाँ पे हम लोग जाके अभी अपने फ़ोन के लिए एक माइक देख लेते हैं, क्योंकि गाइस वॉइस बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है वॉइस में, तो अभी फ़िलहाल हम लोग जाके यहाँ से देखते हैं कोई अच्छी सी माइक और चला लेते हैं। तो गाइस सारा काम कर लिया था सीतापुर में फ़िलहाल, हाँ सुमित को तो छोड़ दिया था उनके घर पर, और अभी हम और विष्णु भाई दोनों लोग, ये विष्णु भाई जगह पहचान रहे हैं आप, फर्स्ट टाइम मिले थे इनसे हम लोग, फर्स्ट टाइम मिले थे दो साल पहले हम लोग यहीं पे फर्स्ट टाइम मिले थे, आज फिर से यहीं बैठे हुए हैं, चाय कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उस दिन चाय पिया था आज कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तब वो ठंडियों का दिन था, आज गर्मियों का दिन है। शायरी बन गई। और गाइज अभी यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, विष्णु भाई कुछ शूट कर लें, एक दो वीडियोज वगैरह बना लेते हैं, खाएंगे नहीं। तो अभी फिलहाल गाइज हम लोग यहाँ पे कुछ शूट वूट करते हैं, अगर शूट वूट करेंगे तो उसके बिहाइंड द सीन्स दिखाएंगे। ओ माय गॉड गाइज ये तो भयंकर सा सीन हो गया गाइज, अभी देखो पता लगाता हूँ किसी को कुछ चोट वोट तो नहीं आई गाइज, पूछते हैं किसी से, अभी हम लोग घर की ओर जा रहे थे। तो गाइज पीछे इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, फिलहाल गाइज ऊपर वाले का शुक्र है किसी को कुछ हुआ नहीं है, लखनऊ नंबर गाड़ी थी और गाड़ी में सिर्फ दो ही लोग थे, जिसमें ड्राइवर के और नाक पे चोट आई है, उसको शायद अभी एम्बुलेंस आएगी लेके जाएगी, और बाकी एक लेडीज़ थी तो उनको भी कुछ हुआ नहीं है फिलहाल, वो सही है, लेकिन हाँ ये गाड़ी को अच्छा खासा नुकसान हुआ, लेकिन गाड़ी तो फिर से बन जाएगी, लेकिन अगर इंसान को कुछ हो जाता ना तो वो थोड़ी ना दोबारा मिल पाता है। और फिलहाल गाइज मतलब गाड़ी वाले की गलती थी कि उसने मतलब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी तो इसीलिए गाड़ी ड्रिफ्ट कर गई, मतलब ब्रेक उसने लगाया तो उसमें ड्रिफ्ट कर गई गाड़ी, तो वो जाके सीधा खंडक में घुसी। फिलहाल ऊपर वाले का शुक्र है कि उसको कुछ हुआ नहीं, बाकी गाइज आप लोगों में से जो भी कार या गाड़ी चलाते हैं वो लोग सेफली चलाएं, जैसे हम चला रहे हैं गाइज, हमारी स्पीड बहुत ही कम रहती है हमेशा, और चलिए कोई नहीं जो होना था हो गया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।